आर न्याय पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेतिया जिला पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज प्रखंड और साठी थाना कटहरी गांव में अभी हम मौजूद हैं। एक यहां बहुत बड़ी समस्या है, नहर में अभी तक यहां पानी नहीं आया, जबकि नहर में मार्च और अप्रैल तक पानी आ जाता है, जिससे किसानों को सिंचाई करने में सुविधा होती है। जबकि अभी तक पानी नहीं आया। यहाँ के ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ है पानी नहीं आने से। आइए यहाँ के किसानों से हम बातचीत करते हैं कि क्या परेशानी है, कब से पानी नहीं आ रहा है, कब तक पानी आ जाना चाहिए, कब से पानी आता है। यहाँ मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ क्या समस्या है? समस्या ये है कि आज ये नहर बेलवा साठी नहर आज से नहीं 1985 से बंद है। 1985 में भीषण बाढ़ आया था, जिसकी वजह से ये बेलवा साठी नहर छत बिछत कई जगह हो गया। उसके बाद से हम लोग संघर्ष करते रहे, किसान सब दरखस्ता दरखस्ती देते रहे। 1915-16 में इसका रिपेयरिंग हुआ, रिपेयरिंग तो हो गया लेकिन पानी नहीं दिया। फिर दौड़ धूप करते हुए 17 में फिर बाढ़ आया, फिर ये जो बनाया गया था वो सब ख़त्म हो गया। उसके बाद से फिर दौड़ धूप होती रही, संघर्ष होता रहा, लिखा पढ़ी मुख्यमंत्री तक, सिंचाई मंत्री तक, सबको दरखास्त भेजा गया, किसी की सुनवाई नहीं हुई। पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि नगर में आए हुए थे, तो वहाँ पर हम लोग जाकर पिटीशन दिया उनको कि बेलवा साठी नहर में 1986 से आज तक पानी नहीं आया है, जिसके वजह से किसान परेशान है। तो उन्होंने सिंचाई मंत्री को ये पिटीशन बढ़ा दिया तुरंत, और सिंचाई मंत्री एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंचाई विभाग को ये पिटीशन दिया, और उसके ठीक तीसरे दिन पानी आ गया। इस साल बादल बारिश का हड़ताल है, किसान परेशान हैं, सभी किसान इतना परेशान हैं कि थोड़ा बहुत जो लोग बीज बोया अपने खेतों में डाला है, वो अभी तक 3-4 बार पानी पटा लिया, लेकिन रोपनी नहीं हो पा रही है बारिश के अभाव में। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि पिछले साल कौन सा आदेश हुआ मुख्यमंत्री जी का कि पानी तीसरे रोज आ गया, और उसके बाद से इस नहर में पानी आपको अप्रैल मई में आ जाना चाहिए। मई में लोग किसान अपना खेत जोत आबाद करके ठीक कर लेता है, मई के बाद मई जून में जाकर बिया लोग डाल देता है। जुलाई ये जून चल रहा है ना, जून चल रहा है, लेकिन आज तक नहीं आया है कि बार बार मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग दरबार लगवाएं, उनके दरबार में हाजिर हों, और तब जाकर इस नहर में पानी आए। ये तो किसानों के हक में ठीक नहीं है, और इस साल अगर इसी तरह से रह गया तो किसान बेहाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। किसानों का खेती करने में जो लागत खर्च होता है वो अभी नहीं मिल रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है किसानों को। इसलिए हम कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिर पहल करें इस नहर में पानी देने के लिए, और इस नहर के साथ ही साथ दो उप वितरणी भी इससे निकला हुआ है, एक खजुरिया उप वितरणी, दूसरा आपको धमौरा उप वितरणी। ये तीनों नहरें अभी तक बंद है, ठप है 1985 के बाढ़ के बाद से। जब मुख्यमंत्री जी पहल करते हैं तो पानी आता है, नहीं करते हैं तो नहीं करता है। हम अपने जिला पदाधिकारी से भी आग्रह करेंगे कि आप इस नहर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कि आप नरकटियागंज में SDO के पद सुशोभित किए हैं, इसलिए इस नहर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी आपको है, बेलवा साठी नहर के बारे में,
कि क्या हालत है क्या नहीं है। अभी थोड़ा सा पहल कलेक्टर साहब कर दें तो 2-3 रोज में पानी आ सकता है, नहीं पहल करेंगे तो किसानों को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा, कलेक्टर साहब के कलेक्टरेट को ठप करना पड़ेगा किसानों को, तब अगर पानी भेजेंगे तब तक खेती का समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए उनसे मेरा आग्रह है, किसानों की सवालों को मद्देनज़र रखते हुए टाइम पर पानी दिलवाने का बराए मेहरबानी करें। इसी तरह से इस पंचायत में 2 स्टेट ट्यूबवेल है, एक माई स्थान हरनैया के पास है, एक सेमरी गांव के डीह पर है। हरनैया वाला तो चल रहा है लेकिन सेमरी गांव के जो डीह पर लगा है स्टेट ट्यूबवेल, वह 2007 में लगा लेकिन 2007 से लेकर आज तक उस स्टेट ट्यूबवेल से कोई फायदा नहीं है। किसी का खेत, एक कट्ठा खेत, 10 दूर खेत भी उसे पटवन नहीं हो सका है। ये लापरवाही है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लघु सिंचाई विभाग बेतिया का, जो कई बार दरखास्त दिया गया, आता है लोग इधर उधर करके फिर लाइन जोड़कर फिर चला जाता है, फिर जाता है लो बटन दबा जाता है, फिर जलकर खाक हो जाता है। उसको बनाया नहीं जाता है बल्कि खिलवाड़ किया जाता है किसानों के साथ, और आर्थिक जो लूट ही लोग करता है सरकार का, इनके अधिकारी और कर्मचारी, उसका जीता जागता मिसाल स्टेट ट्यूबवेल सेमरी डी है। यही बात आपसे कहना है और यही खास करके कलेक्टर साहब से, सिंचाई मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह है कि अपने पहल पर बेलवा साठी नहर में पानी दिलवाने का मेहरबानी करें, जिससे किसान अपना फसल लगा सके। किसानों का भविष्य फसलें पर निर्भर करता है, नहीं तो किसान, चंपारण का किसान जब आंदोलन करता है तो पूरा देश जागरूक होकर आंदोलन में कूद जाता है। मैं ये कहना साफ साफ चाहता हूँ कि गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे, कहीं उनको जगह नहीं मिली, यही चंपारण आए, साठी आए, भेतियरवा गए और उनको जगह मिल गई, और यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ने में उनको कोई देरी नहीं लगा। 1917 में आए और 1947 में आज़ादी देकर अंग्रेज यहाँ से चले गए। तो चंपारण के किसान लड़ते नहीं हैं, जब जागते हैं तो बैठते भी नहीं हैं, सोते भी नहीं हैं, अपनी मंजिल तक पहुँच कर ही और लोगों को पहुँचा कर ही दम छोड़ते हैं। आइए, यहाँ और दूसरा किसान लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप भी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम यही सब जो सही बात है, वो हकीकत बात है, वो सब कही दिए हैं। ऐसे और मार्च तक यहाँ पानी आ जाता था, मार्च तक आ जाता था पानी। इस तरह से कब से चल रहा है ये? तो 1984-85 से चल रहा है, समय से पानी नहीं आ रहा है। अभी चाचा कुछ कहना चाहते हैं? पानी नहीं आ रहा, इसे हम लोग चाहते हैं, हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम लोग समय से पानी आवे, हम लोग हमको यहाँ का किसान का फायदा हो, बिया को सिंचाई किया जाए और खेती किया जाए, रोपनी का समय आ गया। और यही हम सरकार से रिक्वेस्ट है, डीएम साहब से रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है, यही हम लोगों का अपना कहना है। देखिए, हम नहर के अंदर हम खड़े हैं, यह पानी समझिए कि मार्च अप्रैल तक आ जाता है, जिसके चलते अभी तक जून तक चल रहा है अभी तक पानी नहीं आया, जिसके चलते किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ रही है खेती करने में। आज बारिश भी थमी हुई है, बारिश भी नहीं हो रही है, जिसके चलते किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही है। इसीलिए मुझे जिला पदाधिकारी से और सरकार से मुझे विनती है, मुझे आग्रह है कि इस नहर में पानी लाने की कृपा की जाए, ताकि किसानों को खेती करने में, धान के रोपनी में सुविधा मिले। जय हिंद, जय भारत।